नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत में आपका स्वागत करता हूं। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार होता है, जहां हम सब इस त्यौहार की खुशी में अपने हेल्थ को लेकर लापरवाह हो जाते हैं, जिससे हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिनमें आंखें काफी सेंसिटिव होती हैं। आज हमारे साथ मुंबई की KBH बच्चोली हॉस्पिटल की डॉक्टर प्राची अगाशे हैं, जो कि एक सीनियर ऑप्टोमोलॉजिस्ट हैं, जिनसे हम जानेंगे कि होली में किस तरह की प्रिवेंशन लेने की जरूरत है और क्या कुछ दिक्कतें होती हैं जो लोग होली खेलते हैं और लापरवाह हो जाते हैं। डॉक्टर प्राची, आपका नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। होली का त्यौहार, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि होली का त्यौहार आते ही हम सब लापरवाह होते हैं, खेलने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि किन चीजों की प्रिवेंशन की जरूरत पड़ती है। तो मेरा पहला सवाल होगा कि होली खेलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एज अ ऑप्टोमोलॉजिस्ट आप क्या राय देती हैं? सो होली खेलते समय हमें आंखों का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। अगर हो सके तो एक चश्मा 0 नंबर का या एक प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहन के होली खेला जाए तो वो आंखों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा लड़कियों के लिए अगर अपने बाल वो थोड़ा बन में बांधेंगे तो भी बेहतर रहेगा, क्योंकि जो पानी वगैरह जो टपकता है वो आंख के अंदर जा सकता है। और लाइट क्लोथिंग पहने, जिससे कि वो रंग इजीली निकल जाए और स्किन पे ना चिपके। टिप एक देती हूँ कि अगर स्किन पे आप थोड़ा सा वैसलीन जैसा या कुछ ऑयल बेस्ड कोई मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो रंग चेहरे पे, आंख पे और स्किन पे ज्यादा चिपकेगा नहीं, तो इससे उसकी उससे होने वाली जो एलर्जी या रिएक्शन है वो अपने आप घट सकती है जी। तो ऐसा थोड़ा सा ख्याल रखना बेहतर रहेगा जी। डॉक्टर, जिस तरह से आजकल मार्केट बहुत सारे कलर आ गए हैं, कई बार लोग कहते तो है नेचुरल है, लेकिन किस तरह से कलरों से बचा जाए जिससे कि आंखों पे नुकसान ना पहुंच सके? सो हो सके तो होली का त्योहार जो है वो घर में बनाए हुए रंगों से, वो कभी जो बेसन से या फूलों से या पालक से रंग बनाया जा सकता है, जो कि काफी नेचुरल होता है और उससे एलर्जीज भी नहीं होती है और सेफ होता है। मार्केट में जो कलर्स मिलते हैं जो केमिकल से भरे होते हैं उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो केमिकल से आंख में काफी रिएक्शन और एलर्जीज आ सकते हैं। सो होली खेलना ही है तो ऑर्गेनिक कलर से, घर में बनाए कलर से खेलेंगे तो अच्छा रहेगा। होली खेलने के दौरान आंखों में अगर रंग चला जाए तो क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि हम कई बार वो लाभ जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो नुकसान पहुंचा देती है, तो डूज एंड डोंट क्या होंगे? सो होली के रंग जनरली अगर आंख में जाते हैं तो सबसे पहले उसको पानी से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, नॉर्मल वाटर से। उसमें ना कोई डिटर्जेंट डाले या ना कोई केमिकल डाले, कुछ भी और घर में जो भी कुछ है, समझो हनी है या दूध है, ऐसा कुछ भी ना डाले। नॉर्मल बहते पानी से आंख धो ले। जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स या टीयर ड्रॉप्स रहते हैं वो सेफली इस्तेमाल किया जा सकता है, बट केमिस्ट से कोई स्टीरॉइड ड्रॉप्स ऐसा ना ले, कोई घरगुती उपचार ना करे। सो सिंपल आई वॉश इज द बेस्ट थिंग टू डू जब कलर जाता है, एंड देन आप आंख के डॉक्टर को जाके दिखा सकते। कोई घरेलू नुस्खा जो फर्स्ट एड के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आपने बताया, लेकिन कई बार होता है कि हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे उससे पहले एक चीज होता है रोज वाटर। आजकल लोग बड़ा आंखों को ठंडा देने के लिए रोज वाटर डाल लेते हैं, तो क्या रोज वाटर सही है आंखों में डालना? सो रोज वाटर आंखों में डालना सही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर चाहिए तो हाँ, रोज वाटर ठंडक जरूर देता है आंखों को, तो उसके हम सिर्फ घड़िया बना के आंख के ऊपर रख सकते हैं या फिर थोड़ा बर्फ से सेकाई कर सकते हैं। आइस क्यूब को रुमाल में बांध के आंख के ऊपर रखेंगे तो भी ठंडक मिलती है, तो उससे जो एलर्जी से जो गर्माहट है, रिएक्शन है, वो काफी कम हो जाते हैं और आराम मिलता है। बेसिक फर्स्ट एड क्या होगा हॉस्पिटल जाने से पहले अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो? आई वॉश विथ कॉपियस आई वॉटर, मतलब क्या कि आंख को धोना है। अगर हो सके तो जो पिचकारी वगैरह रहती है उससे ही आप इनफैक्ट कंट्रोल्ड रूप से आंख को खोल के थोड़ा सा क्लीन वॉटर डालना है। जो पीने का पानी रहता है वो हम डाल सकते हैं। होली खेलने के दौरान बहुत सारे ऑडियंस है, बच्चे हैं या एडल्ट भी हैं, वो लेंसेस पहनते हैं, तो क्या लेंसेस पहनने की जरूरत है या नहीं? लेंसेस को डेफिनेटली नहीं पहनना है, क्योंकि रंग जो है वो मतलब उसके जो पार्टिकल्स है वो अगर लेंस में अटक जाएंगे तो हमारी पुतली के काफी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स ने लेंस नहीं पहनना है जब वो होली के खेलने के लिए जाएंगे रंगों के साथ, तो कॉन्टैक्ट लेंस इज अ स्ट्रिक्ट नो नो।
सपोज कई लोगों के नंबर्स ज्यादा होते हैं तो विदाउट स्पेक्ट जो चश्मे के बिना उन्हें देखने में दिक्कत होती है, इन सब चीजों इन ऐसे ऑडियंस के लिए क्या मैसेज आप देंगी जो चश्मा पहनते हैं लेंस ना छोड़? मेरे ख्याल से चश्मा जरूर पहन सकते हैं, उससे तो प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा और उनको दिखेगा। सो इनफैक्ट कॉन्टेक्ट लेंस अगर है तो आप कॉन्टेक्ट लेंस ना पहने और चश्मा पहन के जरूर जा सकते हैं। दूसरी एक बात है कि जो गुब्बारे रहते हैं होली के, कई लोग पानी से भरे गुब्बारे मारते हैं, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना है क्योंकि उससे कभी कभी आंख में लगने से मेजर हानि पहुंच सकती है। आंख के अंदर खून जमा हो सकता है, आंख में मोतियाबिंद आ सकता है, सो मेजर हानि हो सकती है उस चीज से। तो ये थोड़ा सा जनरली होली खेलते वक्त एहतियात रखना है कि ये सारा फेस पे ना मारे, आपको मारना है तो बाकी बदन पे मारे ठीक है, बट आंखों के लिए वो थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए, क्योंकि दर्शक जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, दर्शक भूल जाते हैं होली के त्योहार की खुशी में अक्सर हम लापरवाहियां कर जाते हैं, चाहे वो स्किन की बात हो चाहे वो आंखों की बात हो। कोस इट्स अ सेंसिटिव पार्ट, सो इन सब चीजों को देखते हुए जिस तरह से डॉक्टर ने एडवाइस दी है, उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को इस मैसेज के जरिए इस होली पे वो सेफ होली खेलेंगे। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर प्राची ने आंखों के साथ साथ स्किन प्रिकॉशंस को लेकर भी हमसे बात की, हम सभी दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि होली खेलें लेकिन सेफली खेलें। नवभारत के सभी दर्शकों को डॉक्टर प्राची और नवभारत के परिवार की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली।